नमस्कार जी, मेरा नाम है नीनू। अब मैं बताने जा रही हूँ राशि के अनुसार पढ़े लाल किताब के चमत्कारी सुझाव। लाल किताब पर आधारित चमत्कारी उपाय राशियों के आधार पर हैं। आप भी अपनी राशि के अनुसार इन वैदिक नियमों का पालन कर सकते हैं। मेष राशि, किसी से कोई वस्तु मुफ्त में ना लें। लाल रंग का रुमाल हमेशा प्रयोग करें। साधु संतों माँ व गुरु की सेवा करें। सदाचार का सदा पालन करें। वैदिक नियमों का पालन करें। विधवा की सहायता करें और आशीर्वाद लें। मीठी रोटी गाय को खिलाएं। वृषभ राशि, घी का चिराग प्रतिदिन जलाएं। शुक्रवार उपवास रखें। वस्त्रों में इत्र आदि का प्रयोग करें। स्वच्छ कपड़े पहने। नया जूता चप्पल जनवरी माह में ना खरीदें। झूठी गवाही ना दें और धोखाधड़ी ना करें। घर में मनी प्लांट लगाएं। मिथुन राशि, तापसिक भोजन का परित्याग करें और मछलियों को कैद मुक्त करें। दमे की दवा अस्पताल में मुफ्त दे दें। माता का पूजन करें और 12 वर्ष से छोटी कन्याओं का आशीर्वाद लें। बेल्ट का प्रयोग ना करें। फिटकरी से दांत साफ करें। सूर्य संबंधी उपचार करें। कर्क राशि, माता से चांदी चावल लेकर अपने पास रखें और दुर्गा पाठ करें। कन्यादान में सम्मान दें। धार्मिक कार्यों का हमेशा कार्य रूप दें। तीर्थ स्थान की यात्रा करने से किसी को ना रोकें। यदि आप डॉक्टर हैं तो रोगियों को मुफ्त में दवा दें। धर्म स्थान में नंगे पैर जाएं। सार्वजनिक तौर से पानी पिलाएं। माता की सलाह का पालन करें। सिंह राशि, अखरोट व नारियल धर्म स्थान में दें। अंधे को भोजन कराएं। सदा सत्य बोलें। किसी का हित ना करें। साले दामाद व भांजे की सेवा करें। मीठा खाकर ही कोई शुभ कार्य प्रारंभ करें। वैदिक एवं सदाचार के नियमों का पालन करें। कन्या राशि, अपशब्द ना बोले और ना ही क्रोध करें। दुर्गा सप्तशती का पाठ कर छोटी कन्याओं से आशीर्वाद लें। शनि से संबंधित उपचार करें। काली नेकर धारण करें। चांदी का छल्ला धारण करें। भूरे रंग का कुत्ता ना पालें। तुला राशि, गौमूत्र का पान करें। पत्नी हमेशा टीका लगाए रखें एवं परम पिता पर पूर्ण आस्था रखें। गौ ग्रास रोज दें। माता पिता की आज्ञा से विवाह करें। परिवार की कोई भी स्त्री नंगे पैर ना चलें। तवा चिमटा चकला और बेलन धर्म स्थान में दे दें। वृश्चिक राशि, तंदूर की मीठी रोटी बनाकर गरीबों को खिलाएं। पीपल और किन्नर कीकर के वृक्ष ना काटें। किसी से मुफ्त का माल ना लें। बड़े भाई की अवहेलना ना करें। प्रातःकाल शहद का सेवन कर हनुमान जी को सिंदूर और चूल्हा चढ़ाएं। बड़ों की सेवा करें। धनु राशि, भिखारियों को निराश ना लौटने दें। तीर्थ यात्रा करें। तीर्थ यात्रा के लिए दूसरों की मदद करें। कार्य शुरू करने से पहले नाक साफ करें। गुरु साधु और पीपल की पूजा करें। पीले फूल वाले पौधे लगाएं। मकर राशि, बंदरों की सेवा करें। असत्य भाषण ना करें। घर के किसी हिस्से में अंधेरा ना रखें। पूर्व दिशा वाले मकान में निवास करें। अखरोट धर्म स्थान में चढ़ाएं और थोड़ा बहुत घर में लाकर रखें। पराई स्त्री पर नज़र न डालें। भैंस कौओं और मजदूरों को भोजन कराएं। कुंभ राशि, 48 वर्ष से पहले अपना मकान ना बनवाएं। अब दक्षिण दिशा वाले मकान का परित्याग करें। चांदी का टुकड़ा अपने पास रखें। शनिवार का व्रत रखें। भैरव मंदिर में तेल और शराब का दान करें और खुद ना पिए सोना धारण करें। मीन राशि, किसी से मदद स्वीकार ना करें। अपने भाग पर विश्वास करें। किसी के सामने स्नान ना करें। धर्म स्थान में जाकर पूजन करें। कुल पुरोहित का आशीर्वाद प्राप्त कर सिर पर शिखा रखें। संतों की सेवा के साथ धर्म स्थान की सफाई करें। स्त्री की सलाह से व्यापार करें। धन्यवाद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।